जनपद में अपराध और अपराधियों पर प्रभारी नियंत्रण लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सलभ माथुर द्वारा लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इसी क्रम में सिकरीगंज थाना क्षेत्र में तराना पुल के पास मौजूद मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी रामा यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं लुटेरे के पास से एक तमंचा व कारतूस व नकदी बरामद किया गया। रामा यादव संत कबीर नगर गोरखपुर जिले में लूट की कई घटनाओं में वांछित रहा है। वहीं इसके गैंग में रजनीश यादव और झिनक यादव नाम के दो शातिर अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। पेश है गोरखपुर के संवाददाता अबरार अहमद की खास रिपोर्ट। 25,000 रुपए का इनाम था। इस माह की शुरुआत में घटना का अनावरण हुआ था, जहां पर इसका नाम प्रकाश में आया। 4 जुलाई 2018 को इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम किया गया था और बेसिकली इसकी गिरफ्तारी से बहुत सारी घटनाओं का अनावरण हुआ। ये इस व्यक्ति की काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पूर्व में जेल भी जा चुका है। 2015 से ये लूट की घटनाओं के अंदर एक्टिव है। मूलतः जैसा मैंने बताया खजनी का रहने वाला है। इसके अंदर इसने कई जघन्य तरीके के अपराध किए हैं और बेसिकली यहाँ पे ये गोली मार के लूट करना, इसके अंदर एक आलू व्यवसायी के साथ घटना हुई थी जो कि जनवरी माह के अंदर थाना गगाम में हुई थी, जिसके अंदर गोली मार के लूट हुई थी, उसकी आँख भी बाहर आ गई थी। उस अपराध में शामिल था। इसका एक साथी गिरफ्तार हुआ था, तब इसने पूरी घटनाओं के बारे में बताया था। उसी दौरान इसका नाम प्रकाश में आया। दो लोग इसके अंदर और हैं जो कि इस घटना के अंदर इनके ग्रुप में हैं, जिनका नाम प्रकाश में है। सिकरीगंज के अंदर घटना लूट की हरपुर बुधक गधा बांसगांव ठगनी बड़लगंज, इन सब घटनाओं के अंदर इसका नाम प्रकाश में आया है। और जैसा मैंने बताया शातिर किस्म का लुटेरा है। इनके साथ असला भी रिकवर हुआ है, कुछ जो कैश घटनाओं के अंदर गया था वो रिकवर हुआ है। साथ ही साथ जो ज्वेलरी है कुछ ज्वेलरी इनके साथ रिकवर हुई है। 8 तारीख को मसाला व्यापारी के साथ सिकरीगंज में लूट हुई थी। हरपुर के अंदर इन्होंने 30 जनवरी को लूट की थी। गधा को जैसा मैंने बताया था कि इनका जो इन्होंने लूट की थी उसमें गोली मारी गई थी, आँख बाहर आ गई थी। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसका अपराध जारी था। इनको रिमांड से लेके और पूछताछ की जाएगी। जो साथी इनके नाम प्रकाश में आए उनको वेरीफाई करके उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जनपद गोरखपुर से ही हो रहा है। पूर्व के अंदर 2015 से लूट की इनकी हिस्ट्री रही है और जेल से पीछने के आज पुनः अपराध के अंदर आए हैं। एक तरह से ऑर्गेनाइज रूप में और काफ़ी शातिर किस्म का लुटेरा है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया। अभी तक इसकी की हमलों की पूछताछ के अंदर अनावरण नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग शीघ्र जैसा मैंने बताया कि इनको रिमांड पे भी लेंगे और जो साथी रह गए हैं उससे पूछताछ करेंगे। हो सकता है अन्य घटनाओं में भी इस तरह की घटना में हफ्ते पहुँचे।